बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सिर्फ एक नंबर का सॉल्व करेंगे 8.8, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अंडरस्टैंड करना है। दैट्स व्हाई इस वीडियो में सिर्फ हम एक नंबर का सॉल्व करेंगे 8.8। चलिए 8.8 नंबरिकल की बात करते हैं। 8.8, अब हमें पता है कि इसमें हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, और स्ट्रक्चर में इसका होता है हमारे पास गिवन गिवन डाटा होगा, हमारे पास रिक्वायर्ड होगा, फार्मूला होगा, और फिर जाकर हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैम इसका बनाते हैं। तो 8.8 में वो कह रहा जी कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट। हमने हीट मालूम करनी है, हीट यानी कि डेल क्यू हमने मालूम करना है। ठीक हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस, आइस हमारे पास है, मास ऑफ आइस यानी कि एम वो जी 100 ग्राम। तो सबसे पहले हम 100 को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो बन जाएगा 0.1 केजी। ठीक हो गया, 100 ग्राम आइस है, उसको हमने कन्वर्ट करना है -10 से 10 डिग्री, यानी कि हमारे पास है T1 और वो है जी -10 डिग्री, और उसको हमें लेकर जाना है T2 यानी कि 10 डिग्री तक। ये बात समझे, -10 पर आइस है और 10 पर वाटर होगा। वो कहता है हमने वाटर को आइस बनाना है, और उसका मास आइस का है जी 100 ग्राम, और जब 100 ग्राम आइस बनेगी, आइस वाटर बनेगी, तब उसका मास कितना होगा, 100 ग्राम ही होगा। सिर्फ वॉल्यूम का फर्क पड़ा, मैथ तो सेम रहता है। तो वो बताएं कि -10 से 10 पर जाने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, क्वेश्चन ये है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास है जी -10 डिग्री टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर हमारे पास है जी आइस है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है जी 10 डिग्री पर, और इस 10 डिग्री पर हमारे पास क्या होगा, वाटर। एक चीज याद रखें, हम माइनस टेन से डायरेक्ट 10 पर नहीं जाएंगे, हम -10 से डायरेक्ट 10 पर नहीं जाएंगे, बल्कि इसमें एक और स्टेप आएगा जो होगा 0 डिग्री, उसके बाद जाएंगे हम 10 डिग्री पर। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। स्टेप 1 पर आइस है, स्टेप 3 पर वाटर है, स्टेप 2 पर क्या होगा, स्टेप 2 पर आइस होगी या वाटर होगा, स्टेप टू पर दोनों चीजें होंगी, आइस भी होगी वाटर भी होगा। हम कहेंगे इस पर आइस भी है और इसमें वाटर भी है, दो चीजें वो कहता है, इसमें दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब जो स्टेप 1 है, इस पर आइस है, तो आइस ने कन्वर्ट होना है 0 में, आइस का टेम्परेचर -10 से 0 पर जाना है, तब वो 10 पर भी आइस रहेगी, 0 पर भी आइस रहेगी। इसका मतलब ये होगा हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब 0 पर आ जाएंगे, 0 पर जब तक सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, और इसको मैं क्या नाम दिया था, उसको नाम दिया था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ऐसी ना, नहीं 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 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एग्जैक्टली। तो इस पर हम लगा देंगे, स्टेप 2 पर लगा देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्टेप 3 पर आ जाए वाटर है अगेन, तो उसका टेम्परेचर रेज करना है, तो अगेन वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। स्टेप 1 स्टेप 3 पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, और स्टेप 2 पर यानी 0 डिग्री पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला। अब बात समझे, फॉर्मूला हमारे पास, क्योंकि दो तरह के फॉर्मूला यूज होते हैं, मैं एक ही फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि उसको फिर हम बाद में यूज कर सकेंगे, लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी का, जो हमारे पास होता है सी इज इक्वल टू डेल Q डिवाइड बाय एम और डेल्टी। ठीक हो गया, और सॉल्यूशन में हम स्टेप ले लेते हैं, स्टेप वन में क्या आता है, -10 डिग्री से लेकर 0 डिग्री, ये हमारे पास आ गया स्टेप 1। अब हमने पहले हीट मालूम करनी है स्टेप 1 के लिए। ठीक है,
स्टेप वन पर हमने, क्योंकि हमने बात की कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही हमारे पास होगा। चलिए ये फॉर्मूला लगाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको जब हम चेंज करेंगे, चलो इसको डायरेक्ट करते हैं जी, सी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं ना, माइनस टेन है और जीरो है, माइनस टेन टी वन होगा, जीरो टी टू होगा। इसमें हमारे पास जो टी वन होगा वो हो जाएगा माइनस टेन डिग्री, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ये बन जाएगा माइनस टेन प्लस 273 इज इक्वल टू 263 केल्विन। फिर हमारे पास जी टी टू हमारे पास होगा जीरो डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, तो टी टू हमारे पास जी 273 माइनस 263, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 केल्विन। ठीक हो गया। चलो जी, अब हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाना है, तो क्यू वन के लिए इसको हम कहेंगे सी इज इक्वल टू डेल क्यू वन डिवाइड बाई एम और डेल सी, इसको इधर लेगा बन जाएगा सी एम डेल टी इज इक्वल टू डेल क्यू वन। रीअरेंज करते हैं जी, डेल क्यू वन इज इक्वल टू सी एम डेल टी, तो डेल क्यू हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी, वाटर की या आइस की, स्टेप कौन सा है, स्टेप माइनस टेन वाला है, स्टेप आइस वाला है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी पुट करेंगे, आइस वाली। तो आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना आइस की, फॉर आइस सी वो इज इक्वल टू होता है जी 2100 जौल पर केजी पर केल्विन, ये याद रखना। आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 21 होती है और वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 42 होती है, इसका डबल होता है। 2100 मल्टीप्लाई मास, मास कितना जी, मास 0.1 केजी, मल्टीप्लाई डेल्टी, डेल्टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, वो जी 10, ये 10 0.1 से कैंसिल, पीछे बच जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा 2100। ये क्यों बनना गया। अब बात करते हैं स्टेप टू की, स्टेप टू में हमने क्या कहा जी, आइस भी होगी वाटर भी होगा, तो स्टेप टू पर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा होगा, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला लगेगा। तो अब हम बात करते हैं जी स्टेप टू, स्टेप लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, इसमें पहले हम टेम्परेचर की बात, इस पे तो जीरो टेम्परेचर रहेगा ना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एच एफ इज इक्वल टू डेल क्यू एफ डिवाइड बाय एम, तो हमें क्यू चाहिए, एम इधर ले, तो एच एफ मल्टीप्लाई बाय एम डेल क्यू एफ, रीअरेंज कर लें जी, डेल क्यू एफ एच एफ मल्टीप्लाई बाय एम वैल्यू पुट कर दे जी इज इक्वल टू एच एफ, एच एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर की या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की, तो याद रखें जो यहां पर हम जो पुट करेंगे वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर आइस, आइस क्यों, क्योंकि अभी आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हम पुट करते हैं वो हमारे पास होती है जी 33600, ये होती है ना, कंफर्म कर लें जी, बिल्कुल ये होती है, मल्टीप्लाई है मास, मास वही 0.1 जो हमारे पास है केजी, तो डेल क्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते जी इसको 33600 मल्टीप्लाई बाय 0.1 33600 जाउल, ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई दूसरी हीट। अब बात करते हैं स्टेप थ्री की, स्टेप थ्री पर टेम्परेचर की पहले बात करते हैं। स्टेप थ्री हमारे पास ये वाला सारा है, यहां से लेकर ये सारा, इसमें टी वन क्या होगा, टी वन होगा 0 डिग्री, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 0 प्लस 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन।
टी टू जीरो के बजाय टी टू हमारे पास होगा 10 डिग्री, 10 डिग्री कार्बन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 + 273 इज इक्वल टू 283 का चेंज इन टेम्परेचर कर दें जी, टी डेल टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, तो टी टू हमारे पास हो गई 283 माइनस 273 इज इक्वल टू 10 के, ठीक हो गया। चले जी ये एक्चुअली स्पेस थोड़ी कम है बट चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। स्टेप थ्री पर आ जाएंगे, स्टेप थ्री में अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला स्पेसिफिक कैपेसिटी का, तो मैं डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ क्यू से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी क्यू, यहाँ पर स्टेप थ्री के लिए क्यू थ्री इज इक्वल टू सी एम और डेल टी, तो डेल क्यू थ्री इज इक्वल टू सी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी, वाटर की या आइस की, बात किसकी हो रही है स्टेप थ्री की, तो स्टेप थ्री पर क्या है वाटर या आइस, वाटर, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होगी वाटर की होगी, गुड। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है 4200, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 4200 मल्टीप्लाई मास है 0.1 मल्टीप्लाई बाय डेल टी, डेल टी कितना है डेल टी, ये हमने निकाल लिया 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 4200 ही बाकी बच जाएगा, जो ये क्यू थ्री है जिसमें कट जाएंगे जब कैलकुलेट करेंगे तो कट जाएंगे से। ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं हमारा फाइनल आंसर होगा इन तीनों का सम, तो टोटल हीट हमने निकाल लिया, टोटल हीट वो क्या होगी डेल क्यू थ्री इज इक्वल टू डेल क्यू वन प्लस डेल क्यू एफ प्लस डेल क्यू थ्री, ठीक हो गया। वहां पर स्पेस थोड़ी कम है तो क्यों ना हम यहां पर कर ले, इजी रहेगा ना, चले यहां कर लेते हैं, यहां पर हम कर रहे हैं। टोटल हीट इज इक्वल टू क्यू वन, क्यू वन हमारे पास ये है 2100, क्यू क्यू एफ हमारे पास ये है 33600 प्लस क्यू थ्री 4200, कर दें जी ऐड, ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 0 0 और 0, ये बन जाएगा 6 2 8 और 1 9 और फिर बन जाएगा 4 3 7 8 9 और फिर बन जाएगा 3, ये हमारे पास आ जाएगी टोटल हीट, ये हमारे पास टोटल हीट आ गई। इतनी हीट हमें रिक्वायर्ड है जब हमारे पास 0.1 केजी का आइस हो और उसको हमने -10 से 10 तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना हो, तब इतनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी। क्लियर हो गया, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर भी अगर आपको क्वेरी हो क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।